नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 2024 आपके जीवन में कैसे तरक्की ला सकता है, इसको हम दो पहलू से देखेंगे। एक वास्तु के पहलू से और दूसरा ज्योतिष के पहलू से। वास्तु के पहलू से हम देखते हैं कि कौन ऐसा चीज है जो मेरे जीवन में चार चांद लगा सकता है। यह आपको पहले डिसाइड करना होगा कि आप चाहते क्या हैं। पैसा चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, नए नए अवसर चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, ये चाहते क्या हैं। हम अभी दो मुद्दे पर बात कर रहे हैं। आपको हैप्पीनेस चाहिए, लाइफ में हैप्पीनेस जो आता है वास्तु के हिसाब से, आपको यह ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र से आता है। यह जोन ऐसा है जो हैप्पीनेस का जोन है, और हैप्पीनेस के लिए आप जब पूरे फैमिली का हंसता खेलता एक फोटो अगर इस जोन में लगा लेते हैं ब्लैक फ्रेम में, तो आपको ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। कारण इसका कारण यह है कि ये हैप्पीनेस का जोन है, और हैप्पीनेस में आप अगर खुशी चाहते हैं तो अकेला कोई भी व्यक्ति खुश नहीं रह सकता है, जबकि उसके परिवार में खुशी हो। उसके परिवार में खुशी तभी हो सकता है जब सारे लोग संतुष्ट हों। अर्थात जब इस जोन में आप फोटो फैमिली का लगाते हैं, हंसता खेलता फोटो, तो आपके जीवन में नित नए खुशी का आयाम मिलने लगता है और आप खुशी का महसूस करने लगते हैं। दूसरा जोन इसका जो है सबसे रिलेशन का जोन। खुशी तब होगा जब आपके बीच में रिलेशन का बॉन्डिंग बहुत ज़बरदस्त होगा। रिलेशन का बॉन्डिंग के लिए आपको नैऋत्य कोण है। नैऋत्य कोण जो है सो आपके जीवन में सारे रिलेशन को मजबूत कर सकता है। इसलिए इस जोन में भी आप किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होने दें, और पूरे फैमिली का एक जो एक एक दूसरे से हाथ मिलाया हो, और खुशी से आप किसी पहाड़ी वादियों में हो और उसका एक फोटो लगा देंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ का फ्रेम जो होगा पीला कलर होगा या गोल्डन फ्रेम होगा। तो इस तरह से आप अगर जीवन में चाहते हैं खुशी, आनंद, हैप्पीनेस, तो ये दो जोन को आपको ठीक करना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले।